हाय, वेलकम टू निफ्टीदास। आज हम लोग हमारा चौथा ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखेंगे, वो है सेल कॉल। मैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज के ऊपर 16 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं कवर करूंगा आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई एटसेट्रा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय द वे, मैंने अपना पहला वीडियो में ऑप्शन एकदम बेसिक से, जैसे कॉल और पुट ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन बाय और सेल कैसे करें, सारे चीज प्रैक्टिकली समझाया है जीरोधा काइट पे। तो इस वीडियो के बाद आप पूरा सीरीज जरूर देखें, वीडियो 1 से शुरू करके आपको काफी हेल्प होगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो इस स्ट्रेटेजी को न सिर्फ हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे, बल्कि इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और उसके सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिकली समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस स्ट्रेटेजी का मार्केट व्यू है माइल्डली बियरिश, यानी हम सोचते हैं मार्केट थोड़ा नीचे जा सकती है। द ट्रेड सेल अ कॉल ऑप्शन, हम लोग एक कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। प्रीमियम हम लोग रिसीव करेंगे, मार्जिन हमें चाहिए। मैक्सिमम लॉस है अनडिफाइंड, मैक्सिमम प्रॉफिट है जितना हमने प्रीमियम रिसीव किया है। इस स्ट्रेटेजी को कब करें, जब हमें लगता है कोई स्टॉक या इंडेक्स ऊपर नहीं जाएगी, यानी या तो वो एक जगह रहेगी या थोड़ा सा ऊपर जाएगी या एकदम थोड़ा अप मूव दिखाएगी। इस स्ट्रेटेजी को कब ना करें, जब हमें लगता है आईवी और प्रीमियम लो रहेंगे। मैंने आईवी के बारे में अपना पिछला वीडियो ऑप्शन चेन एनालिसिस वीडियो में बताया है। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस और आईवी के बारे में सीखना चाहते हो, वो वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट है, हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे अगर हम थोड़ा सा गलत होते भी हैं। इस स्ट्रेटेजी का नुकसान ये है, अगर मार्केट काफी ऊपर जाती है तो हम लोग बड़ा नुकसान कर सकते हैं। टाइम एंड वोलेटिलिटी, ये स्ट्रेटेजी नुकसान करती है अगर आईवी ऊपर जाती है। ये स्ट्रेटेजी हर बीतते दिन के साथ टाइम वैल्यू गेन करती है। मैंने टाइम वैल्यू के बारे में अपना पिछला वीडियो ऑप्शन ग्रीक्स में डिटेल्स में बताया है। तो चलिए स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली करते हैं। यह है ऑफ्टर ऑप्शन सिमुलेटर, जहां पे आप वर्चुअल ट्रेडिंग करके ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हो रियल मनी लगाए बिना और रियल नुकसान किए बिना। तो जैसे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहे हैं 15638 और हमें लगता है निफ्टी ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, तो हम लोग 15800 का सीई यानी कॉल ऑप्शन सेल करेंगे 116.95 रुपीस में। हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 78.97%, यानी करीब 70% चांस है कि हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 5848 रुपए। ये वैल्यू हमें मिला है, हमारा प्रीमियम है 116.95 इंटू निफ्टी का लॉट साइज है 50। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जो हमारा प्रीमियम है 5847 रुपीस। हमारा मैक्सिमम लॉस है अनडिफाइंड। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 0 से लेके 15916, ये हमें मिला है। हमारा स्ट्राइक प्राइस 15800 प्लस हमारा प्रीमियम। नेट क्रेडिट है पॉजिटिव 5847 रुपीस, यानी जैसे ही आप इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करोगे आपके अकाउंट में 5847 रुपए आ जाएंगे। और इस स्ट्रेटेजी को करने के लिए आपके पास प्रीमियम या मार्जिन होना चाहिए 73674 रुपए, यानी 73674 रुपीस। ये है पे ऑफ चार्ट। इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आप निफ्टी का वैल्यू नीचे देख सकते हो। इस पॉइंट पे अगर निफ्टी रहती है तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी दोनों ही जीरो होगा। अगर निफ्टी इस पॉइंट से ऊपर जाती है तो हमारा नुकसान भी बढ़ता जाएगा। निफ्टी जितना ऊपर जाएगी उतना हमारा नुकसान होता जाएगा। जब हम आगे एडवांस स्ट्रेटेजी सीखेंगे तो हम लोग जानेंगे कैसे हम इस नुकसान को कम या लिमिट कर सकते हैं। और ये ग्रीन जोन हमें दिखाता है हमारा प्रॉफिट। तो चाहे निफ्टी कितना ही नीचे क्यों ना जाए, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा सिर्फ 5848 रुपए, जितना हमने प्रीमियम लिया है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाती है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कैप है, और ये डाउनवर्ड लाइन दिखाती है कि हमारा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है, निफ्टी कितना ही पॉइंट ऊपर जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी एक के साथ शेयर करके हेल्प कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।